50 स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। वैसे चंडीगढ़ को डिस्क्राइब करने के लिए कई लाइनें कही जाती हैं, उसमें से एक ये भी कहा जाता है कि ये है हमारे देश की सबसे पहली प्लांट सिटी। मुझे पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जाती है, 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ये शहर तेजी से बढ़ रहा है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट इसे हाई परफॉर्मिंग शहर की कैटेगरी में लेकर आती है। मैं हूँ प्रियंका संभव, मेरे साथ जुड़े चंडीगढ़ के स्टेक होल्डर्स, हम उनसे समझेंगे वो कैसे अपने शहर को स्मार्ट शहर में बदलते हुए देख रहे हैं। तो इतनी सारी खूबियों के शहर में है तो बातें भी खूब होंगी। प्रियंका, खूबियों की अगर बात करें तो मैं बताना चाहूंगी चंडीगढ़ एक और बात के लिए मशहूर है। और किस बात के लिए मशहूर है? मैंने कुछ मिस कर दिया? चंडीगढ़ की कुड़िया। अच्छा, हमारी पंजाबी कुड़ी जो है वो बताना नहीं भूलती कि चंडीगढ़ की कुड़िया मशहूर है। वैसे मैंने चंडीगढ़ की कुड़िया और चंडीगढ़ के सतारा मार्केट की बातें जो है हमारे मशहूर रैप आर्टिस्ट के गानों में बहुत सुनी है। हनी सिंह तो बहुत ही सुरीला भी है चंडीगढ़। इस इलाके के जो सिंगर्स निकलते हैं सब बड़े सुरीले भी होते हैं। तो सुरीला है चंडीगढ़, खूबसूरत है चंडीगढ़, प्लांट है चंडीगढ़, लेकिन क्या ये बनेगा स्मार्ट शहर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं परमिंदर सिंह ढींसा, जो फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर है। सर, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ है वीनू प्रसाद जी, जो कि यूडी और हाउसिंग सेक्रेटरी है पंजाब के। और इस तरफ जुड़ रहे हैं रोहतास गोयल, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ओमैक्स के। उनके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर अश्विनी भाटिया जी, जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दिनेश दुआ जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, सीईओ नेक्टर लाइफ साइंसेज, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो हम हैं स्मार्ट शहर में और मेरे साथ क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी भी मौजूद हैं, तो इनसे ही पहला सवाल। सर, आप लोगों ने एक बजट एलोकेट किया है खास तौर पर न्यू चंडीगढ़ बनाने के लिए, जिसे आप इस इलाके का पहला स्मार्ट शहर कह रहे हैं। यानी स्मार्ट शहर को लेकर आप लोग सोच रहे हैं और इसकी तरफ कदम भी उठा रहे हैं, बजट भी एलोकेट किया है? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारा जो न्यू चंडीगढ़ है, ये दिस इज अ टोटली बेस्ड ऑन सिटी, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, जहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वेयर तीन चीज़ें जो बहुत जरूरी हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल की ग्रोथ होनी चाहिए, देन एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट है उस पर ध्यान रखना है। सो इसमें जो चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ है, इसमें हमने एजू सिटी है, मेडी सिटी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ न्यू चंडीगढ़, देन इट इज़ लो डेंसिटी हाउसिंग, मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ पब्लिक इंटरफेस विद दी गवर्नमेंट हो, ई गवर्नेंस। सो ये सारे हम कंसेप्ट जो है न्यू चंडीगढ़ में लेके आए हैं। आई थिंक जिनसा जी, एक सवाल है मेरे मन में, जब मैंने पढ़ा कि आप लोगों ने एक अलग बजट एलोकेट किया मुल्लापुर के इलाकों को, आप न्यू चंडीगढ़ बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग चंडीगढ़ है क्या उसे ही स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ पहल नहीं किया जा सकता था? क्यों अलग से जगह एलोकेट किया न्यू चंडीगढ़ के नाम से और उसे स्मार्ट शहर बना रहे हैं? देखिए, जो चंडीगढ़ की डिसीजन मेकिंग है उसमें पंजाब जो है उसका रोल नहीं है ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। सो पंजाब पहले क्या था, देयर वाज एक थिंकिंग थी भी जो मोहाली और जिनको ग्रेटर मोहाली एरिया कहते हैं, इट हैज़ बिकम, उसको एक पैरासाइट ऑन चंडीगढ़ सोचते थे, बट वी हैव कम आउट विद द कंसेप्ट दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ इक्वल पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ दिस एरिया एंड प्रॉब्ली इट विल कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फॉर चंडीगढ़ और इस सारे इलाके की डेवलपमेंट में, ये जो कंसेप्ट पंजाब गवर्नमेंट जो लेके आई। बिल्कुल, न्यू चंडीगढ़ की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है प्रियंका, तो रियल इस्टेट सेक्टर को एक प्राथमिकता देनी जाहिर सी बात है। रियल इस्टेट सेक्टर की बात करें तो हमारे साथ रोहतास गोयल जी मौजूद हैं, जो एक बड़ी टाउनशिप लेकर आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने बताया कि न्यू चंडीगढ़ एक इमर्जिंग सिटी है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, एजुकेशन सिटी बनेगी, मेडी सिटी बनेगी, रियल इस्टेट सेक्टर के लिहाज से आपका क्या मानना है न्यू चंडीगढ़ के बारे में? देखिए, रियल इस्टेट अपने आप में एक स्टैंड अलोन ग्रोथ नहीं लेता। रियल इस्टेट सेक्टर किसी का बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बाय प्रोडक्ट होता है आईटी सर्विसेज का और अदर सर्विस सेक्टर का। जो सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जो बाइंग पावर क्रिएट होती है, उस बाइंग पावर क्रिएशन से होम बाइंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सारे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है रियल इस्टेट। तो चंडीगढ़ में जो न्यू चंडीगढ़ ने जन्म लिया है,
न्यू चंडीगढ़ का जन्म आपने, हमने या किसी ने नहीं दिया है, ये ऑटो मोड में जन्म हुआ है, एक नीड में इसका जन्म किया है, क्योंकि चंडीगढ़ पूरा भरा हुआ है, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन एवरेज 10-15% इंक्रीज कर रही है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में फर्दर हैबिटेशन के लिए जगह नहीं है, तो उसके सबब्स क्रिएट हुए, पंचकुला क्रिएट हुआ, मोहाली क्रिएट हुआ, जीरकपुर क्रिएट हुआ, खरड़ क्रिएट हुआ और आपका न्यू चंडीगढ़ क्रिएट हुआ। अब हम न्यू चंडीगढ़ की बात करें तो जो बाकी चीज़ें जो क्रिएट हुई, बाकी जो सेटेलाइट टाउन क्रिएट हुए, उसमें स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ चीज़ क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त वो शायद विज़न जो मोदी जी ने आज हमें दिया है वो विज़न शायद नहीं होगा इधर, बट क्योंकि वो विज़न आज पूरे इंडिया में ट्रांसफ़र हो चुका है, हर बड़े बड़े जो आपके गवर्नमेंट चला रहे हैं, हर बड़े नेता, हर बड़ा लीडर के पास वो विज़न है, तो मैं समझता हूँ कि डिप्टी, हमारे जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी विज़न मोदी जी से मिलता जुलता था, जिन्होंने न्यू चंडीगढ़ को जन्म दिया, 15,000 acres में न्यू चंडीगढ़ क्रिएट किया। तो न्यू चंडीगढ़ एक डिफरेंट है, मैं बाकी सेटेलाइट टाउन से कैसे न्यू चंडीगढ़ डिफरेंट है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाकी जो सेटेलाइट टाउन थे उनकी मास्टर प्लानिंग जरूर हुई, बट मास्टर प्लानिंग की डिटेल, मास्टर प्लानिंग जो DPR है वो DPR उसमें नहीं हुई थी। तो अब की बार जो न्यू चंडीगढ़ में मास्टर प्लानिंग के साथ साथ उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, इंटरनल सड़कें कैसे बनेंगी वो बनाई गई, कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया, 200 फुट की सड़क, एक नहीं, एक सड़क तो बन के तैयार है, दो सड़कों से चंडीगढ़ को जोड़ा गया और बाकी पूरे पंजाब से इसको, न्यू चंडीगढ़ को कनेक्ट किया गया, सड़कें चौड़ी रखी गई और 15,000 acres में 1700 acres में एजुकेशन सिटी रखी गई, टाटा एजुकेशन, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका स्थापना कर दी गई है और इसके अलावा स्टेडियम आ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चारों तरफा विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेणु जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने जब चंडीगढ़ को डिजाइन किया था, जो बात हम अभी भी कर रहे हैं कि एक जीवंत शहर बनाने की कल्पना की थी और वो साकार होता हुआ भी दिखाई दिया, तभी इसे जाकर वेल प्लान्ड सिटी का दर्जा मिल सका। अब न्यू चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, इससे पहले जो प्राइस सिटी के तौर पर पंचकुला और मोहाली का भी नाम लिया जाता है, कोशिश ये भी की गई थी कि उन्हें भी वेल प्लान सिटी के तौर पर उभारा जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अब सबकी नजरें टिकी है न्यू चंडीगढ़ पर। हाउसिंग की बात करें, आप अर्बन डेवलपमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाउसिंग के लिहाज से सरकार किस तरह के इनिशिएटिव ले रही है और खासतौर पर अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें या फिर मिड सेगमेंट हाउसिंग की बात करें? यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने न्यू चंडीगढ़ एस्टैब्लिश करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ हमारा जो ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी लगभग 1,000 acres रेजिडेंशियल सेक्टर्स वास्ते लैंड एक्वायर किया है, क्योंकि गमाड़ा एक गवर्नमेंट अदारा है, इस करके इको सिटी 1, इको सिटी 2 ऑलरेडी प्लॉट्स कार्व आउट हो चुके हैं, बहुत नॉमिनल रेट जिमें कि सब्सिडाइज रेट, एफोर्डेबल रेट्स पे इन्होंने डिस्पोज किया है। सिमिलरली हम अब यहाँ भी ग्रुप हाउसिंग का प्लान कर रहे हैं, सो एफोर्डेबल रेंज है 30 lakhs, 45 lakhs रेंज में जो कॉमन मैन को अवेलेबल हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ एक EWS सेक्शन भी वास्ते भी यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनीज भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू चंडीगढ़ में ये है कि इट शुड बी ए काउंटर मैग्नेट सिटी टू चंडीगढ़, इट शुड नॉट बी ए सिंपल सेटेलाइट टाउन, जैसे मोहाली है, पंचकुला है, दे आर सेटेलाइट टाउन्स। यहाँ न्यू चंडीगढ़ में हमने एक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ सिटी यहाँ लेके आ रहे हैं, खास करके मेडिकल सिटी है, एजुकेशन सिटी है, इस टाइप का एंटरटेनमेंट पार्क है वो डेवलप कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। बिल्कुल, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पर नजर है सरकार की, लेकिन जब सरकार कुछ काम करती है उसमें निजी भागीदारी भी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। एक PPP मॉडल की बात सभी कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, पूरे देश का कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा है। तो दुआ जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है सरकार को इसमें निजी मदद की जरूरत है और आपकी जैसी कंपनियां कर रही हैं, करने के लिए आगे आएंगे, तैयार हैं? धन्यवाद मुझे पैनलिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले, और आपका स्वागत है। देखिए सबसे पहले तो मैं स्मार्ट सिटी को डिफाइन करना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हमारे देश को दिया, मैं लगभग 70 देशों में जा चुका हूँ
और इसका स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका एवोल्यूशन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो आप जानते हैं कि यूरोप और यूएसए से हुई थी। आप किसी भी जगह जाएं अच्छे शहर में यूरोप में यूके में स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड बहुत शानदार एग्जाम्पल है, वहाँ पर शुरुआत ही इसी कॉन्सेप्ट से हुई थी कि गवर्नमेंट जो थी वो फैसिलिटेटर बनी। गवर्नमेंट ने कहा देखिए ये लैंड है, ये मेरे सिटीजन्स हैं, ये फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए, आप आगे आइए। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई सबसे पहले उसको मैं यूरोप नहीं कहूँगा क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने आप में एक जियोग्राफिकल एरिया है जो कि किसी को नहीं बिलोंग करता, न्यूट्रल है। तो वहाँ से ये शुरुआत ही पीपीपी से हुई और आज देखिए अगर जन्नत कहीं है तो वो स्विट्जरलैंड में, हालांकि कश्मीर में भी है। तो इस सब को देखते हुए मेरा ये अपना मानना है कि फ्रॉस्ट एंड सलिवन की पहली रिपोर्ट जो स्मार्ट सिटी के बारे में आई थी, जिसने ये शुरुआत की थी सारे दुनिया में, वो 8 मुद्दों पे आधारित थी। कुछ एक जो कि मैं बता सकता हूँ, गवर्नेंस, सबसे पहले गवर्नेंस, मैंने स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया, उसमें गवर्नमेंट आगे आई, गवर्नमेंट ने कहा देखिए मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ, आपको इसको आगे लेके जाना है। उसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने सुना अभी बहुत अच्छी तरह से, न्यू मुल्लापुर बहुत शानदार एग्जाम्पल है कि किस तरह से उसको एक क्लस्टर ऑफ सिटीज़ बनाया जा रहा है जहाँ के वो चीज़ नहीं की जाएगी जो कि पंचकुला या मोहाली में हुई है पीछे। तो इस सब को देखते हुए आपको मोबिलिटी वहाँ पे देनी है, आपको हेल्थ केयर जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ उसको आपने डेवलप करना है। आज कहीं भी चंडीगढ़ में जाइए अगर पीजीआई में आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन है ही नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा चंडीगढ़ जैसे बहुत अच्छे शहर में नहीं है। इस सब को देखते हुए हमारा ये मानना है कि जैसे कि यू नो टिंडसा साहब ने कहा, ये वर्ड्स बहुत इनकरेजिंग हैं, वेणु साहब ने कहा और ओमेक्स के चेयरमैन ने कहा, गोयल साहब ने, कि आप हमें एक इंसेंटिवाइज कीजिए, हमें एक कॉन्सेप्ट दीजिए, हम उसको आगे लेके चलेंगे। पीपीपी से बढ़िया कोई मॉडल नहीं है इस स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को ले जाने के लिए। और मेरा अपना आखिर में ये भी मानना है कि आज चंडीगढ़ सारी दुनिया में एक बहुत ही प्लान्ड सिटी है, ली कबूजे महोदय ने बहुत अच्छा शहर बनाया। तो ना केवल भारत में स्मार्ट सिटी की शुरुआत यहाँ से की जा सकती है, इसको आप अगले 10 साल में स्मार्टर और स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भाटिया जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको इस शहर में क्या खासियतें दिखती है और स्मार्ट सिटी बनने के वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं शहर में? साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की बात अगर हम प्रियंका कर रहे हैं तो पैसे के बिना कुछ भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो किस तरह से बैंकिंग सेक्टर की संभावनाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा, एसबीआई आगे आएगा इनिशिएटिव लेने के लिए, आसानी से लोन मुहैया करवाएगा यहाँ पर? देखिए पहले तो जहाँ तक स्मार्ट सिटीज की बात है, मेरे को चंडीगढ़ में रहते हुए 3 साल हो गए, ऐसा शहर देश में नहीं है, यू नो इट्स अ मॉडल फॉर ऑल दी सिटीज विद इन द कंट्री। और बजट में अगर 100 सिटीज़ के लिए प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ दिए हैं, सो ऑन एन एवरेज 70 करोड़ पर सिटी ब्रेक लेंगे, एंड इफ अगर कहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है तो चंडीगढ़ में सबसे पहले हो सकता है। Absolutely. और क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है बिकॉज चंडीगढ़ प्लान्ड है, एजुकेशन लेवल इज क्लोज टू 100% एंड द पीपल आर ऑल एजुकेटेड, सो डेमोक्रेसी द डेमोग्राफी इज विद देम, एजुकेशन इज विद देम, प्लानिंग इज देयर, राइट? और आप मेरे से पूछें, चंडीगढ़ इज ऑलरेडी अ स्मार्ट सिटी बिकॉज द सेक्टर्स विद इन चंडीगढ़ आर सेल्फ कंटेन्ड। एक ही सेक्टर के अंदर आपको स्कूल मिल जाएगा, आपको हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात है, 2008 में सबसे पहले शुरू की IBM ने, एंड इट रिवॉल्व्ड अराउंड टेक्नोलॉजी, सो टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज, तो वेदर इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पानी है, घर में अगर आपके सेंसर लगा है, एवरीथिंग इज इकोनॉमिकल एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। यानी भाटिया जी जिस तरह की जिंदगी आप लोग यहाँ जी रहे हैं वो ऑलरेडी आप ऐसा महसूस करते हैं कि स्मार्ट सिटी है। तो वो सारी चीजें हैं चंडीगढ़ में जो इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा देती हैं। लेकिन और क्या किया जाना चाहिए और क्या कर रही है सरकार, निजी स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स और बैंकर्स, ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में अलग अलग सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना पोटेंशियल है इन सेक्टर्स में। हमारे साथ यहाँ पर सरकार की भी रिप्रेजेंटेटिव्स है और साथ ही साथ इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ढिंसा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहा जाए कि पूरे सरकार का प्रतिनिधि इस हमारे प्रोग्राम में कर रहे हैं। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने एक विजन रखा कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी और चंडीगढ़ कहा जाए कि अब इस तरफ बढ़ भी चुका है। कितना वक्त आप देखेंगे, अभी ग्रोथ की शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में किस तरह का सिनेरियो न्यू चंडीगढ़ में हमें दिखाई देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, सरकार की तरफ से किस तरह की पॉलिसीज वहां पर इनिशिएट की जाएंगी? देखिए, पहले तो हमारा चैलेंज था अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कहे ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करें, तो उसके लिए उसके बाद जो मेजर आर्टरीज एंड कम्युनिकेशन के लिए रोड्स हैं उनको लेआउट करना, फिर उसके बाद एक बार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार हो जाता है तो देन द प्राइवेट सेक्टर कम्स इन, देन दे डेवलप इट फर्दर। तो अभी हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्पेंड कर रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च कर चुकी है पंजाब गवर्नमेंट, अभी PPP को हमने इन्वॉल्व किया है। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप से जो बेसिक आइडिया है उसी को लेकर ये आगे चलेंगे। जैसे जो हमारी मेडिसिटी है उसको हमने, उसकी शुरुआत हो चुकी है, टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर है जो उसकी जो है एक सेटेलाइट इधर खोल दिया गया है, सो दे विल हैव ऑपरेशंस हियर। वी आर इन टॉक विद अदर लीडिंग हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री टू ओपन अप देयर हॉस्पिटल्स है। अभी एजुसिटी के लिए हम 1600 एकर्स लैंड अभी एक्विजिशन शुरू करनी है। वी वॉन्ट ऑल टॉप वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बी हेयर। पहले भी मोहाली में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, नाइपर है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, बट इधर हम थोड़ा सा उसको प्लान सिस्टम से लेके आना चाहते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो सारा, तो वो हम शुरुआत कर चुके हैं। एंड आई थिंक आने वाले कुछ सालों में आपको ये जो सारा है, जो विजन है, that will you know turn into reality, वो आपको देख सकेंगे। मिस्टर प्रसाद, जाहिर तौर पर हमने बात किया PPP मॉडल की, हिंसा जी भी बता रहे हैं कि इस पर काफ़ी काम चल रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, ऑन ग्राउंड जब आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट लाते हैं तो आप लोग कितनी निजी भागीदारी की उम्मीद रखते हैं और क्या निजी कंपनियाँ आती हैं आप लोगों के साथ हाथ मिलाकर काम करने के लिए एकजुट होकर, या आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना होता है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अब इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर खुद सरकार अपना ही पैसा लगा रही है? नहीं, वैसा नहीं है। लाइक न्यू चंडीगढ़ में अभी आप देख लीजिए, वहाँ ओमैक्स काम कर रहे हैं, DLF काम कर रहे हैं, एल्टस एक कंपनी है वहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह का गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहे हैं, पैरेलल आते प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर को जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, खास करके लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होते हैं, उनके अलावा रेवेन्यू रास्ता से एक्वायर करने में प्रॉब्लम आते हैं, उसमें गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी एक पंजाब सरकार ने एक लैंड पूलिंग स्कीम स्टार्ट किया है, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिला, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट में कोएर्सिव लैंड एक्विजिशन होती है, बट लैंड पूलिंग में फार्मर्स अपने आप वॉलेंट्रली लैंड सरेंडर करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन रिटर्न में 1000 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले रहे हैं हम जी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हम देते हैं कि 200, 300, 500 स्क्वायर यार्ड्स शेप दे विच देते हैं, एज ए रिजल्ट फार्मर्स को भी ये डिस्पोज ऑफ करने में उनको वायबिलिटी मिलती है। बिल्कुल, तो आप जिस तरह के लैंड एक्विजिशन की पॉलिसीज अपनी बता रहे हैं, इससे रोहतास जी आप लोग फायदा आप लोगों को हो रहा है, या इसमें भी कुछ हर्डल्स है जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, लैंड पुलिंग जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की है, गमाडा की पॉलिसी है। फार्मर जो लैंड पुलिंग का जो प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो गमाडा के साथ कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे जो PPP मॉडल है वो आज तक PPP मॉडल चलता था जब तक ये इंडिया में लैंड एक्विजिशन एक्ट की आग नहीं लगी थी। लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसने भी इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया, मैं वो बात नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगता है कि लैंड एक्विजिशन बिल के थ्रू इंडिया की डेवलपमेंट की सुपारी दे दी गई है, मतलब इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की ग्रोथ इसकी वजह से होने वाली ही नहीं। ना कोई इंडस्ट्री लग सकती है, ना कोई इंस्टीट्यूशन आ सकता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड ले सकते हैं आप, ना किसी टाउनशिप के लिए लैंड ले सकते हैं। तो जो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो अनवर्केबल है,
अनबायबल है। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी को लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री 2024 तक बनेगा। तो वो जो ड्रीम मोदी जी का ड्रीम है, उस ड्रीम को साकार करने के लिए हमें चार पांच चीज़ है जो हर्डल्स हैं। मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा क्योंकि रियल एस्टेट से संबंधित नहीं रखती है, रियल एस्टेट से संबंधित सिर्फ लैंड एक्विजिशन एक्ट रखता है जो बहुत बड़ा हर्डल है। चलिए, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट आपको हर्डल लगता है, लेकिन अगर स्मार्ट बनाना है अपने शहर को तो उसमें रोजगार के मौके भी होने चाहिए दिनेश जी। तो आपकी आपका सेक्टर या आपकी जैसी इंडस्ट्रीज जो जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, क्या वो उस तरह के रोजगार के मौके पैदा करती है और उस तरह की स्किल्ड लेबर आपको मिलती है चंडीगढ़ में? ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, स्टील है और दूसरी इंडस्ट्रीज जो चंडीगढ़ के आजू बाजू में हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुश्किलात हमें आईटी सेक्टर में भी देखने को मिलती हैं वो यही है कि हमें जब स्किल्ड मैन पावर लेनी पड़ती है तो हमें कहाँ देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है हैदराबाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो आसपास हैं, और उस मुद्दे पे हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे यंगस्टर्स अवेलेबल मिलते हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं, सेकेंड लेवल ऑफ स्किल एनहेंसमेंट, नॉलेजेबल पर्सनल, अब जब उनको लेने जाते हैं तो आपको हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली, मुंबई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यहाँ से लेना पड़ता है। अहमदाबाद बहुत बढ़िया अवेलेबल सेंटर है। उनको यहाँ लाने के लिए सबसे बड़ा इशू जो है हमें फेस करने को मिलता है कि यहाँ रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। अगर आप पंचकुला मोहाली चले जाएँ वो भी रिलेटिवली उन शहरों के मुकाबले एक्सपेंसिव है। दूसरा ये है कि हम फॉर्चुनेट हैं, डेंजर साहब यहाँ हैं, कि हमें इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत मौके दिए गए हैं जो कि हमने किया है। हमारा फॉर्मुलेशन का प्लांट हिमाचल में है, वहाँ भी हमने बहुत एक्सपेंशन किया है, और अब ये जो नई डेवलपमेंट आ रही है मुलापुर न्यू चंडीगढ़ के बारे में, उससे हमें और फैसिलिटी मिलेगी और फेलिसिटेशन मिलेगी कि हम अपने काम को बढ़ाएं आगे चलते। लेकिन दिनेश जी ने जो पॉइंट रेज किया ढिंसा जी, चंडीगढ़ को एजुकेशनल हब भी माना जाता है और केवल चंडीगढ़ ही नहीं, इससे जुड़े जो पंजाब और हरियाणा के भी जो शहर जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल हैं, एजुकेशन हब होने के बावजूद अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें लोगों को भर्ती करने के लिए हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई से जाना लाना पड़ता है, तो ये एक चीज़ है जिसे सुधारने की ज़रूरत है या उस तरह के मौके क्रिएट करने की ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक जो ये बात कह रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हायर लेवल मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली, वो हायर लेवल मैनेजमेंट देखिए, थोड़ा सा जो एक बात तो डेफिसिट है, जो बिगर कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा जो हैं दे आर बेस्ड इन दीज 4-5 मेजर टाउन्स, सो व्हेन दे टॉक ऑफ हायर लेवल मैनेजमेंट उसमें दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस, नॉट ओनली स्किल। आई थिंक मेरे हिसाब से स्किल इधर अवेलेबल है, बट हमारे भी इधर जो स्टूडेंट्स हैं या जो इधर से पढ़ के गए हैं वो जब हायर लेवल मैनेजमेंट जाते हैं दे ऑल्सो शिफ्ट टू दोज टाउन्स बिकॉज द ऑफिसेज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर बेस्ड देयर। सो जो हमारे इधर बेस्ड कंपनीज हैं व्हेन दे आर सोर्सिंग पीपल सो दे यूजली लुक दैट साइड, बट विद मोर इंस्टीट्यूशंस कमिंग जैसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, IIT है, वो हमारे इधर रोपड़ में अभी आ गया है, तो इनके साथ आई थिंक थोड़ा सा ईज आउट ज़रूर होगा। एंड विद मोर कंपनीज कमिंग टू पंजाब चंडीगढ़, तो इधर आगे इन फ्यूचर वी आर होपफुल भी जो हायर लेवल मैनेजमेंट है उसकी भी इधर अवेलेबिलिटी ईजिली होनी चाहिए। जो बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, हम लगातार इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपनी इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद
साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से न्यू चंडीगढ़ को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर इजाद किया जा सकता है, और हमने हर एक सेक्टर को छुआ है। और बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले भी भाटिया जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पैसा कहां से आएगा। सरकार तो अपना खजाना खोलेगी जिस तरह से ढींसा जी कह रहे हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प को प्रमोट करेंगे? देखिए, जहाँ तक पैसे का की बात है, कोई कमी नहीं है। और आपको हैरानी होगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोज 200 करोड़ के हाउसिंग फाइनेंस सैंक्शन करता है। इस साल हमारा टारगेट है कि हम दिन में 250 करोड़ के हाउसिंग लोन्स दें। और आपको ये भी पता होगा कि आज के दिन लिक्विडिटी एक्सेस है। स्टेट बैंक की बैलेंस शीट 15 लाख करोड़ की है, जिसमें से करीब 80,000 करोड़ सरप्लस लिक्विडिटी है। इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, तो जो आम आदमी है उसके हाथ में भी आज के दिन ज़्यादा पैसा है। एंड आई एम वेरी प्लीज टू ऑल्सो नोट कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारे को दिख रहा है, प्राइसेज हैव कम डाउन अ लिटल, इट्स वेरी रीजनेबल। और सडनली चंडीगढ़ में हाउसिंग एक्चुअली पिकअप हुई है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, नए प्रोजेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। एंड पीपल हैव रियलाइज्ड दैट चंडीगढ़ के पेरिफरी के अंदर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जो आपका प्रश्न था, पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, राइट? छप्पर फार के चंडीगढ़ की तरफ भी लेकर आएंगे आप उन्हें। ढींसा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर के बारे में बात किया है, काफी क्रूशियल और अगर कहा जाए कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है टूरिज्म का। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। सुखना लेक यहाँ पर है, रॉक गार्डन यहाँ पर है, रोज गार्डन यहाँ पर है, लेकिन उसको एक्सप्लोर अभी भी नहीं किया गया है। सिर्फ एज अ हॉपिंग स्टेशन ही यहाँ पर लोग रुकते हैं, तो टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले तो टूरिज्म के लिए एक्सेसिबिलिटी। अभी हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई थिंक बाई नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल हो जाएगी, जो मोहाली में बन रही है। दैट विल गिव अ बूस्ट टू टूरिज्म। सेकेंड, हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमने इस्टेब्लिश किया है एक शिवालिक हिल्स जो टूरिज्म बोर्ड है विद हेल्प ऑफ गुमाडा। तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस एरिया में अलोंग दी हिमाचल बॉर्डर जो जो प्लेसेस हैं जिसको हम टूरिज्म के लिए एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। सेकेंड इज रिलीजियस टूरिज्म, वो पंजाब में हम प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मेडिसिटी है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, जो आज बहुत ज़्यादा बाहर से लोग इलाज के लिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और हमने जो ये 50 एकड़ जो हमने ये इसके लिए एक्वायर की है, दिस द एम ही उसकी ये है भी जो हमारे इधर टॉप क्लास हॉस्पिटल्स एक जगह पे बने और मेडिकल टूरिज्म को हम फैसिलिटेट करें। सो गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है, बट आई थिंक इट वंस दी ऑल दीज you know projects are operational, तो उसका आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, सरकार अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो निजी भागीदार हैं इस शहर के, वो क्या देखते हैं इस शहर में? आप तीनों से एक ही कॉमन सवाल है मेरा, बैंकर हैं, डेवलपर हैं और बिजनेसमैन हैं, तो आप तीनों से एक ही सवाल है, आपको क्या लगता है कौन सी वो बात है, शॉर्ट में आंसर चाहूंगी, जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चंडीगढ़ को सबसे पहले जिसे अटेंशन देना चाहिए? आई थिंक सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, वो है टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट। आज आप किसी भी शहर में बाहर चले जाएं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, और हमें उस तरफ जाना है, 3G 4G इज़ द नेम ऑफ द गेम। आप मोबाइल पे सारी दुनिया को अपने हाथ में लेके चलते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चंडीगढ़ से ही शुरुआत करनी चाहिए, और उसके लिए PPP मॉडल अवेलेबल हैं ईजिली। बिल्कुल, भाटिया जी आपको क्या लगता है, वो कौन सी एक चीज है जिसे तवज्जो देने की जरूरत है, जो आपको लगता है ये स्मार्ट सिटी बनाने में से आगे बढ़ाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से 3G और कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट आज के दिन है ट्रांसपेरेंसी। अगर कंज्यूमर को पता है कि ही गेट्स द सर्विस ऑन टाइम, वट एवर ही वॉन्ट्स, राइट, एंड ही कैन मॉनिटर इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक स्टेप, दैट इज वन स्टेप टूवर्ड्स अ स्मार्ट सिटी। बिल्कुल, यानी डिलीवरी चाहिए, समय पर डिलीवरी चाहिए, चाहे सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट की या बैंक का लोन। रोहतास गोयल जी,
डिलीवरी की जब बात आती है तो रियल एस्टेट डेवलपर्स थोड़े से बदनाम ही रहते हैं। तो मैं समझना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ में अगर बात करें, आपके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ट्रैक पर हैं, ऑन टाइम हैं, और आपके आसपास आपके जितने बंधु जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं क्या वो भी टाइम में है? यानी चंडीगढ़ वासियों को टाइम पर अपने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, घर की डिलीवरी मिल रही है? देखिए, डिलीवरी की बात मैं करता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट सिटी का इन्ग्रीडियंट क्या है, स्मार्ट सिटी बनती कैसे। पहले स्मार्ट सिटी का फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है स्मार्ट पीपल टू लिव इन। तो चंडीगढ़ की जो लिटरेसी है मोर देन 90% है, वो इन्ग्रीडियंट हमारे पास ऑलरेडी है। हम अगर सिटी को डिजिटलाइजेशन कर देते हैं, सीवर, सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, जितना भी, सबको डिजिटलाइजेशन कर देते हैं, बट ऑपरेटर रेजिडेंट्स मेरे पास स्मार्ट नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में वो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास स्मार्ट रेजिडेंट्स हैं, मेरे पास लिटरेट रेजिडेंट्स हैं, तो इसको स्मार्ट बनाने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तो स्मार्ट सिटी बनाए कैसे हम इसको? स्मार्ट सिटी की डायरेक्शन में जितने भी स्टेप सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए, अब तक सारे स्टेप उनके द्वारा लिए जा चुके हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एनीथिंग। अभी जो प्रॉब्लम, अभी फॉर द टाइम बीइंग जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है मार्केट कंडीशंस। अभी जो मार्केट कंडीशन है पिछले 3 साल से, वो मार्केट कंडीशंस इंडिया की इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी बायर्स की पॉकेट्स में पैसा डालती है, उसमें थोड़ा लफड़ा है। बट मोदी जी के आने के बाद सेंटीमेंट्स चेंज हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्रांति आएगी, सर्विस सेक्टर में क्रांति आएगी। तो जब इन सब चीज़ में क्रांति आएगी तो बायर्स के पास पैसा आएगा, बायर्स के पास पैसा आएगा तो बायर क्रिएट होगा। जो बायर होता है वही सब चीज़ क्रिएट करता है। मैं बना के खड़ी कर दूँ चाइना में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, बायर ही नहीं है, तो इट्स नॉट ए स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कौन बनाता है? स्मार्ट सिटी बनाता है बायर। वी हैव टू एंड गवर्नमेंट हैव टू क्रिएट दी बायर। गवर्नमेंट बायर कैसे क्रिएट करेगी? गवर्नमेंट को इकॉनमी बढ़िया कर दे, गवर्नमेंट बिजनेसमैन के लिए प्लेटफॉर्म बढ़िया क्रिएट कर दे। हर्डल रेस जो अब तक जी रहे थे बिजनेसमैन, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, ये टैक्स, फलाना टैक्स, ढिकाना टैक्स, हर्डल रेस, हमको यहाँ पर हर्डल रेस खिलाई जा रही थी, वो जॉब बंद हो गई। वो मोदी के आने के बाद, मुझे लगता है मोदी के आने के बाद वो हर्डल रेस बंद होगी और बंद होती जा रही है। हमें स्मूथ प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे, तो फिर यहाँ पे स्मार्ट सिटी नहीं, पूरा इंडिया ही स्मार्ट और एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट। बिल्कुल, और इनकी बात में जो बात मुझे अच्छी लगी कि स्मार्ट शहर तभी बनेगा जब उसके सिटीजन स्मार्ट होंगे, तो इसलिए सिटीजन अगर स्मार्ट है तो शहर तो स्मार्ट बनेगा। यानी भागीदारी इसमें केवल इन स्टेक होल्डर्स की नहीं है, आपकी है, जो इस शहर में रहते हैं, इस शहर को बनाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा छूट गया, इसलिए रोहतास जी के पास वापस आऊंगी डिलीवरी को लेकर के, क्योंकि डिलीवरी भी मिलनी चाहिए समय पर। बैंकर जी ने कहा कि डिलीवरी मिलना चाहिए, और आप अगर इस प्लेटफॉर्म में हैं तो मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगी क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स डिलीवरी टाइम पर दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो ये हालत कब सुधरेगी? ये क्वेश्चन, रियल एस्टेट डेवलपर डिलीवरी टाइम पर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन रियल एस्टेट डेवलपर से नहीं पूछा जाना चाहिए। इसके 3 स्टेक होल्डर हैं। डिलीवरी टाइम पे कैसे हो, इसके 3 स्टेक होल्डर हैं, एक बायर खुद, एक डेवलपर और एक गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हमें क्लियरेंसेस देती है, हमें 52 क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। 52 क्लियरेंसेस लेने में हमें 2 साल लग जाते हैं, और 2 साल के पीरियड में लैंड खरीदने से लेकर 2 साल के पीरियड में हमारी जो लैंड कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट है, वो 25% ऊपर भाग जाती है जी। अगर हमें गवर्नमेंट, आप इस हाउसिंग मिनिस्टर भी साथ में बैठे हुए हैं, हाउसिंग सेक्रेटरी जो पंजाब से सबसे टॉप अथॉरिटी है, वो भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये पंजाब की जनता को 20% मकान सस्ता देना चाहते हैं, तो जो मेरे को क्लियरेंसेज मिल रही है 1 साल में, वो क्लियरेंसेज मुझे 1 महीने में दे दे, मैं जनता को 25% मकान सस्ता दे दूँगा। और उसके आप डिलीवरी की बात, मुझे क्वेश्चन पूरा कर दीजिए, आंसर आपका, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पूरा नहीं दे पाया हूँ। अब आती है बात डिलीवरी की। डिलीवरी पहले हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, डिलीवरी लेट क्यों होती है? उसके रीजन, एक क्लियरेंसेस, एक रीजन होता है डेवलपर की इंटेंशन,
कि डेवलपर अपना उस प्रोजेक्ट का पैसा साइफन करके दूसरे प्रोजेक्ट में फेंक देता है, तो उस पैसे की कमी के कारण लैक ऑफ दैट मनी प्रोजेक्ट डिले होता है। तीसरा, बैंकर्स जो कुछ लोग उसमें क्वालिफाई नहीं करते उनको बैंक से लोन नहीं मिलता है। तीसरा, कस्टमर खुद, मान लीजिए कस्टमर ने 4000 रुपये में फ्लैट बुक कराया, मार्केट गिर गई, 3000 रुपए का रेट रह गया, कस्टमर खुद ही इंस्टॉलमेंट नहीं देता। बिल्कुल, कस्टमर इंस्टॉलमेंट नहीं देता, कंस्ट्रक्शन आगे नहीं जाती, तीनों लोग स्टेक होल्डर हैं, प्रोजेक्ट को डिले और दर्द, आपकी परेशानी, ग्राउंड रियलिटी हम समझ रहे हैं। लेकिन एक अहम बात जो इन्होंने उठाया, बहुत क्विक रिएक्शन सर आपसे, इन्होंने जो क्लियरेंसेस की बात की, और ये सवाल सिर्फ पंजाब के मिनिस्टर से नहीं, शायद पूरे देश के मिनिस्टर से पूछना चाहिए। जो क्लियरेंसेस का सिस्टम है, इतने इतने हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो इन्हें फेस करने पड़ते हैं, जब तक ये खत्म नहीं होंगे कोई शहर स्मार्ट नहीं बन सकता। इस पर कदम क्यों नहीं आप लोग उठा पाते हैं? देखिए, इसके जो क्लियरेंसेस की बात कर रहे हैं जी, ये वक्त वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। इसको देखते हुए पंजाब सरकार ने एक इन्वेस्ट पंजाब करके सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, उसमें ई नीड एक कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट करें, विद इन 30 डेज उसको एप्लीकेशन के साथ ही ऑल क्लियरेंसेस उनके डोर स्टेप्स पे मिलेगा। सिमिलरली फॉर इंडस्ट्री, फॉर रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वास्ते बिल्ड पंजाब करके एक शुरू कर रहे हैं हम, उसके अंडर भी इसी तरह का क्लियरेंसेस मिलेगा। चलिए, तो इन्वेस्ट इन पंजाब, बिल्ड इन पंजाब, इस तरह के प्रोग्राम्स आप लेकर आ रहे हैं जो क्लियरेंसेस को आसान बनाएंगे। और रियल एस्टेट नो एनकरेज करने वास्ते हमने रिसेंटली हाउसिंग पॉलिसी बनाया, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाया, उसमें FAR का पहले 1.52 होते थे, उसको इंक्रीज करके 2 FAR, 3 FAR तक इंक्रीज किया। CLU और EDC में कोई रेट्स हमने इंक्रीज नहीं किया लास्ट 2 ईयर्स से। सो ऑल दीज फैसिलिटीज हमने जितने भी हैं इसको डेवलपर्स को हमने और खास करके सिटीजन्स को हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, सी कह सकते हैं जल्दी वारे न्यारे होण वाले ने, तुसी पंजाबी च गल कीती है ते असी भी थोड़ा पंजाबी पूछेंगे। जल्दी वारे न्यारे चंडीगढ़ शहर दे, इसी पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। उसका जवाब भी यहाँ पर मिल रहा है, तो लगातार आमने सामने सारे जो मिसकम्युनिकेशन की बात जो हम लोगों ने पहले भी की थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ज्यादातर ऑडियंस है वो भी काफी बुलिश दिखाई दे रही है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, ओमेक्स की बात करेंगे, जाने माने डेवलपर्स है सर। न्यू चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो किस तरह के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ पर आप लेकर आ रहे हैं चंडीगढ़ियंस के लिए भी और पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए? देखिए, न्यू चंडीगढ़ जो टोटल प्रोजेक्ट है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री प्रकाश सिंह बादल जी का, श्री बादल जी का जो सुखबीर बादल जी का ड्रीम है, और वो 15,000 एकड़ में टोटल प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें हमारा स्टेक है 1,000 एकड़ का, हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हमारे 1,000 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर आपके अंदर रो हाउसिंग भी है, ग्रुप हाउसिंग भी है, कमर्शियल भी है, कमर्शियल टावर भी है, प्लॉट्स भी है, इंटरटेनमेंट भी है, क्लब भी है, 7 क्लब्स है, होटल्स भी हैं, और उसके अंदर मॉल भी है। तो जितना भी एक टाउनशिप में जो कुछ होता है वो सब कुछ है। और सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए, जैसे एक इंटेलिजेंट होम बनता है, इंटेलिजेंट होम के अंदर सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन कर दी जाती है, तो हम लोग सिटी को स्मार्ट करने के लिए कैसे सारा सिस्टम, उसका सिस्टम को डिजिटलाइजेशन किया जाए, मैं सरकार के साथ बात कर रहा हूँ, वेणुगोपाल जी से मेरी बात चल रही है, तो इसके ऊपर हम इसको न्यू चंडीगढ़ को स्मार्ट कैसे करें उस पर हमारी बात चल रही है। कनेक्टिविटी इसकी पूरी है, हर जगह से पूरी है कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका टॉप क्लास है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी चौड़ी सड़कें कहीं पर भी नहीं है, वर्ल्ड इंडिया में कहीं नहीं है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट, हमने अभी तक जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एक प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था प्लॉट का प्रोजेक्ट, जो हमने 13,000 रुपये में लॉन्च किया है, जो आज रीसेल वैल्यू
27,000 रुपए है, यानी मोर देन 100% की एप्रिसिएशन उस प्रोडक्ट के ऊपर है। दूसरा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया G+2 का, जो जो हमने जो फ्लोर है उस जो जो फ्लोर हमने 26 लाख का या 27 लाख का बेचा था, उसकी कॉस्ट, उसकी रीसेल वैल्यू आज 48 लाख रुपए है, यानी वो भी 90% एप्रिसिएशन पर वो भी प्रोडक्ट है। तो मैं कहता हूँ कि जो मैं अपने प्रोजेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस से बोलता हूँ कि आप ट्राई सिटी को सर्वे करो और मुल्लापुर या न्यू चंडीगढ़ की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करो, उसकी कनेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करो और अपने दिमाग से इन्वेस्ट करो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो एंड यूज़र है वो एंड यूज़र आज न्यू चंडीगढ़ को अपना डेस्टिनेशन मान रहा है। जो इवन चंडीगढ़ वाला आदमी भी है वो भी अपनी कोठी छोड़ करके, कोठी बेच करके न्यू चंडीगढ़ में। बिल्कुल, न्यू चंडीगढ़ की बहुत बात हो रही है और ये एक तरह से आप लोगों का एक पायलट प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा बजट 1,200 करोड़ से ज्यादा का आपने बजट इसके लिए एलोकेट किया है, इसमें आप क्या कुछ देने वाले हैं और कब तक ये तैयार होने की आप उम्मीद रखते हैं? देखो, एक सबसे जरूरी है जो एक लिविंग के लिए हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग कंडीशंस। लिविंग कंडीशन में अगर आप देखें तो इसकी जो लोकेशन है वो उससे बढ़िया लोकेशन आपको नहीं मिल सकती। इसमें हमने जो लो डेंसिटी हाउसिंग पे ऊपर जोर दिया है, सो देयर इज़ मोर ग्रीनरी, बेटर एनवायरनमेंट टू लिव इन, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले क्रिएट कर रहे हैं फिर वी वॉन्ट पीपल टू मूव इन, सो दे विल गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद जैसे बात की है हमने 4G की, इन्होंने बात की है, दिस विल हैव कंप्लीट 4G कनेक्टिविटी। वो हमने रिलायंस के साथ पहले टाई अप कर चुके हैं, वो भी जल्दी अपना काम, जैसे जैसे जो सेक्टर्स डेवलप होंगे उधर दे विल प्रोवाइड 4G कनेक्टिविटी एंड दे आर प्रोवाइडिंग थ्रू आउट द स्टेट। सो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी कोई इधर रहता है उसको कम्प्लीट, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उस एरिया में उसको बेस्ट फैसिलिटीज वो अवेलेबल हो। दैट इज आई थिंक द कंसेप्ट जो स्मार्ट सिटी का वही है और वही हम लेके चले। जी बिल्कुल, अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर जिन्होंने निभाया है वो है हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस, इनसे बात करेंगे, इनके क्वेश्चन लेंगे। मेरे पास ये सवाल आया है दिपिन प्रीत सिंह जी का, ये मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं। इनका सवाल ये है कि अगर हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि एक अलग से लैंड लिया जाए, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करके ही क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता? नहीं, आई थिंक इनका सवाल बहुत अच्छा है, बट जो मेरा मानना है कि जरूरत है, वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द सिटीज टू स्मार्ट सिटीज, पर जो नई क्रिएशन होती है, जो क्रिएट कर रहे हैं, उसमें स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को जो है लागू करना वो ईजियर होता है। दूसरी जो हमारी सिटीज़ हैं उनकी जो इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे उनकी कोई जो प्लानिंग है वो उनकी एज अकॉर्डिंग टू जो स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए वो नहीं है, उसमें जो हम चाहते हैं एक अच्छी जो है जो एनवायरनमेंट है वो उस सस्टेनेबल होना चाहिए, वो उसमें हम एकदम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। और उसमें जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जैसे हम प्लेस करना चाहते हैं वो हम वैसे प्लेस नहीं कर सकते, मे वी हैव टू गो टू आउटसाइड ऑफ द सिटी। सो सोच यही होनी चाहिए भी जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनको भी स्मार्ट सिटी जो कन्वर्ट करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट जो अभी हमारी न्यू प्लानिंग है उसमें स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को जो लागू करना है दैट इज़ मच ईजियर। जैसे बात की चंडीगढ़ में, आई थिंक चंडीगढ़ बींग अ प्लान सिटी उसमें ईजीली हम लागू कर सकते हैं, इवन मोहाली पंचकूला है उसमें ईजियर है उसमें इम्प्लीमेंट करना, बट अगर हम जीरकपुर की बात करें उसमें स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को एकदम जो लाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो दोज प्रॉब्लम अगर हम उनको देखें तो इसलिए हम चाहते हैं जो जो एटलीस्ट जो हमारी नई डेवलपमेंट है उनमें तो ये कंसेप्ट जरूर होना चाहिए एंड वी विल गो फॉरवर्ड इन फ्यूचर विद जो पहले सिटीज हैं उनमें भी ये कंसेप्ट। बिल्कुल, तो चुनौती है और इस चुनौती को मीट करने के लिए पूरी तरह से ये गेट अप है। वैसे चंडीगढ़ वासियों ने यहाँ पर हमारे पास जो सवाल पूछा है, पहले हम बता चुके एक रियल एस्टेट से जुड़ा, और दूसरा सभी के मन में यही है कि डिलीवर होगा कि नहीं, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो पॉलिटिकल टर्मोइल में ये हो जाए। तो आप सभी से ये आखिरी सवाल है, बहुत समय कम है आप लोगों से, बस पूछना चाहूंगी प्रसाद जी आपसे, स्मार्ट सिटी का सपना जो हम आज सजो रहे हैं वो हकीकत में बदलेगा? या डेफिनेटली,
क्योंकि हमने एटलीस्ट न्यू चंडीगढ़ का है ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाया है. सो जब भी भारत सरकार का स्कीम लॉन्च होगा चंडीगढ़ से पंजाब से हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं वो पहला पहुंच जाएगा और उम्मीद है कि अप्रूव होके देन वी विल इंप्लीमेंट. चलिए तो आपके मुंह में घी शक्कर. एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन मेरा सरकार से है, एक क्वेश्चन मेरा सरकार से और जनता की तरफ से है मेरा क्वेश्चन. क्योंकि रियल एस्टेट में रिसेशन बहुत जबरदस्त है तो और रिसेशन में कैसे फाइट करना है जनता को डेवलपर को वो सरकार से सरकार के सहयोग के बगैर कोई फाइट नहीं कर सकता. तो मैं समझता हूँ जो रिसेशन है अगले एक साल के लिए रिसेशन है तो अगले एक साल के लिए हमें रियल एस्टेट पॉलिसीज में क्या स्वीटनर आप दे रहे हैं सो दैट ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री चल पड़े. जो रियल एस्टेट का पॉलिसीज रिसेशन देखते हुए न्यू हाउसिंग पॉलिसी हमने बनाया उसमें जो हम एवरी ईयर जो 10% हमारा चार्जेस होते हैं खास करके CLU चार्जेस हैं ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं लाइसेंस फी है उसमें हम कोई भी इंक्रीज नहीं किया लास्ट 2-3 ईयर से. सिमिलरली जो डेवलपर से हमने कलेक्ट करना होते हैं वो भी हमने कुछ डिफर भी कर दिया एक साल के लिए 2 साल के लिए डिफरमेंट भी अनाउंस किया. और तीसरा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके लिए हम FAR भी काफ़ी इंक्रीज़ किया पहले 2 FAR तक था. सिमिलरली डेंसिटी है डेंसिटी नाम्स 1 एकड़ में पहले 50 मकान बना सकते हैं पंजाब में उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं बना सकते अब हम लगभग 80 मकान तक भी परमिशन दे चुके हैं. बिल्कुल यानी बहुत कुछ हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए. ये आखिरी एक मिनट है स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ बनेगा क्यों बनेगा दिनेश दुआ जी. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे जाएगी जो कि जा रही है सबसे पहले फोरफ्रंट पे चंडीगढ़ है. आप कॉम्पोजिट डेवलपमेंट करिए पहले चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाइए फिर ट्राई सिटी को और फिर मोलापुर को देखिए क्या होता है. चलिए तो आश्विन भाटिया जी हम तैयार हैं क्या होता है देखने के लिए चंडीगढ़ बदल जाएगा. जरूर आई एम श्योर होगा एंड चंडीगढ़ का एग्जाम्पल विल बी टेकन टू न्यू चंडीगढ़. कस्टमर इज ऑलवेज लुकिंग एट अ गुड प्रोजेक्ट राइट एंड स्टेट बैंक इज देयर टू हेल्प यू द बैंकिंग सिस्टम इज देयर टू हेल्प यू. चलिए एंड बहुत शुक्रिया यहाँ कहना चाहूंगी आप सभी मेहमानों का आप लोग हमारे शो में जुड़े और हमें एक ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से स्मार्ट चंडीगढ़ तक की तस्वीर दिखाई.